हाईकमान को परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पेश। सोनिया गांधी से एक घंटे हुई बातचीत। हारे तो क्या, वोट शेयर बढ़ा। अगले चुनाव का तापमान अभी से चढ़ा। दिवाली के बाद पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से इस मुलाकात की चर्चा गर्म है। एमपी की सियासत में कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात सुर्खियों में है। दोनों नेताओं के बीच एक घंटे हुई बातचीत को लेकर अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि उपचुनाव के नतीजों की रिपोर्ट हाईकमान को दी गई है। अब ये रिपोर्ट कैसी है, क्या वोट प्रतिशत बढ़ने की बात भी इसमें है? क्योंकि कांग्रेस भले ही जोबट, पृथ्वीपुर, खंडवा उपचुनाव हार गई हो, लेकिन उसका दावा है कि पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। देखिए, अगर चारों सीट का विश्लेषण आप करें तो आप तो सब बुद्धिजीवी हैं, तो चारों सीट में कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है और जो अंतर है जीत और हार के बीच का, उस अंतर में भी काफ़ी कमी आई है। तो हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं है, लेकिन 2023 की तैयारी कांग्रेस को अभी से करना चाहिए। 2023 कांग्रेस का है। वोट प्रतिशत बढ़ने की बात पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कर चुके हैं। कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो 2018 के विधानसभा इलेक्शन में पृथ्वीपुर में 52,436 वोट मिले थे। इस बार उपचुनाव में कांग्रेस ने 66,986 वोट हासिल किए। इसी तरह रेगांव में पिछली बार कांग्रेस को 48,489 वोट मिले। इस उपचुनाव में पार्टी ने 72,596 वोट हासिल किए। जोबट में पिछली बार 46,076 वोट मिले थे, इस बार 62,672 वोट मिले। खंडवा लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस को 2019 में 4,57,643 वोट मिले, जबकि उपचुनाव में 5,48,962 वोट मिले। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन साथ में बीजेपी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा, तभी तो उसने जीत हासिल की है। वैसे 2018 में कांग्रेस से कम सीटें मिलने पर बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही दावा सामने आया था। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, जरा उसे भी सुन लीजिए। कौन है जो 2023 की तैयारी करेगा, कौन है जो इस सलाह को मानेगा? हाँ, नेहरू परिवार है तो नेहरू परिवार को अभी अपने हॉलीडे मनाने के अलावा कोई फुर्सत नहीं है। जिस पार्टी में नेता नहीं है, नीति नहीं है और जिसकी नीयत नहीं है, वो 2023 हो या 2064 हो, कभी कुछ नहीं होने वाला। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस हार से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ने की बात प्रचारित कर रही है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल कम ना हो। इन सबके बीच हारी हुई सीट पर मंथन भी पार्टी करने जा रही है। शायद इसलिए 9 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस की बैठक बुलाई है और बैठक से पहले शनिवार को दिल्ली में सोनिया गांधी और कमलनाथ की मुलाकात भी इसी ओर इशारा कर रही है। लेकिन पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर सुरेश पचौरी उपचुनाव में जीत हार पर बोलने क्यों आए, क्या उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में आगे क्या। ये सवाल हर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछ रहा है और दिग्गज नेताओं के मन में भी ये सवाल है कि अब आगे क्या होगा। क्या कमलनाथ जी अब एक पद छोड़ देंगे? क्या अजय सिंह जी, अरुण यादव, सुरेश पचौरी जी जो ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस 2023 में जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में होंगी, क्या उनका ये दावा कितना सत्यता पर आधारित है? और क्या ये जो तीनों नेता हैं जिनका नाम हमने लिया, इनको आगे जाकर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी? और न सिर्फ इनको बल्कि उन तमाम नेताओं को जो कांग्रेस के क्षत्रप लीडर्स कहे जाते हैं, यानी वो अपने अपने रीजन के लीडर्स हैं, मध्य प्रदेश के जो अलग अलग अंचल हैं उनके वो नेता हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि कांग्रेस में आगे का रोड मैप क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि करीब करीब आधा रास्ता चुनाव का 2023 के लिए हम तय कर चुके हैं, लेकिन अभी भी खुद कांग्रेस में शायद बहुत सारे लोगों को, जिनमें कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को, आगे का मुस्तकबिल, आगे का भविष्य भी बहुत साफ नज़र इसलिए नहीं आ रहा है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संगठन में क्या कमलनाथ जी ही रहेंगे या नेता प्रतिपक्ष कोई परिवर्तन होगा, या कमलनाथ जी संगठन का दायित्व तो संभाल कर पूरी ताकत से संगठन को ऊर्जावान बनाने में जुटेंगे, क्या हमारे कुछ बड़े नेताओं को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी, क्या जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगते रहे हैं उन सब पर बंदिशें लगेंगी, क्या हम एकजुट होकर आगे खड़े हो पाएंगे। कई सवाल हैं, आज इन्हीं पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से
जो हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी की युवा नेता और प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। भदौरिया साहब, पचौरी साहब जिस तरह से दावा कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कई सारे लोग अभी सोच रहे हों कि इसका आधार क्या है। वो कह रहे हैं 2023 कांग्रेस का है, ये सारी चीज़ें तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह से बार बार ये बात आती है कि वो सतत तैयारी करने वाली पार्टी है और कांग्रेस चुनाव के ठीक पहले मैदान में उतरती है और उसका कैंप, उसका प्रशिक्षण शिविर सब चुनाव के चंद महीनों पहले ही आरंभ होता है। ये दो पार्टियों की वर्किंग स्टाइल है, काम करने की अलग अलग शैली है, लेकिन अब ये आपको बीजेपी की शैली से कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। बहरहाल, किस तरह आप देखते हैं कि कांग्रेस में आगे क्या? जी भदौरिया साहब जी। देखिए आदरणीय शरद जी, सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से सब लोगों को दीपोत्सव की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और जहां तक बात है तो मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आज की भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखने की आवश्यकता है। अगर सीखना है और समझना है तो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं आत्म मंथन करना पड़ेगा कि अपना कार्यकर्ता छोड़ के आयातित लोगों को क्यों वो लॉन्च करते हैं, क्यों उनको महत्व देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना। जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, आपका सादर सम्मान है, आपके बिल्कुल शब्दशः मैं सहमत हूं आपकी बातों से। कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद जी, कमलनाथ जी के चमत्कारिक नेतृत्व में लगातार प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में लगी हुई। आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा कि हर जिले स्तर पर एक जिला प्रभारी जो मंडलम और ब्लॉक लेवल की कमेटियां गठित करवा चुके हैं, बना दिए गए थे। अब हमारा वर्तमान में केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा संगठनात्मक चुनाव की घोषणा हो गई, मेंबरशिप प्रारंभ हो गई, तो मेंबरशिप का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। उसके माध्यम से ज्यादा मेंबरशिप करा के संगठन को और मजबूत करने की दिशा में। जहां तक बात उपचुनाव की है तो ये तो सर्वविदित है आदरणीय शरद जी कि इतना सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो खंडवा लोकसभा चुनाव हो, जोबट हो या पृथ्वीपुर हो, इनमें तो परफॉर्मेंस किया ही ज्यादा अच्छे से अच्छा, परंतु रेगांव जो 32 साल से भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, आदरणीय कमलनाथ जी के चमत्कारिक नेतृत्व में उन्होंने जिस तरीके से सबको जिम्मेदारी दी और उसमें अजय सिंह जी ने जो भूमिका निभाई रेगांव की जीत की, तो वो निश्चित रूप से पूरी जीत के शिल्पकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में आदरणीय अजय सिंह जी रहे, रेगांव विधानसभा की जीत, ये सर्वविदित है। आपने दो बार चमत्कारिक शब्द का उपयोग किया, तो कांग्रेस 2018 की तरह कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर चमत्कार देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन चमत्कार के साथ मैं अपेक्षा, हम सभी अपेक्षा रखेंगे कि चमत्कार की अपेक्षा तब और उसकी संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं जब उसके पीछे कठोर परिश्रम, अध्यावसाय और निरंतर की जाने वाली मेहनत है। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं दीपावली के साथ साथ। मैं दिव्या जी की तरफ चलूँगा। दिव्या जी, चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं, मुकाबला कोई भी हो। रेगांव की कसक ज़रूर है बीजेपी के मन में, लेकिन 3-1 का जो रिजल्ट हमको फाइनल टैली में नज़र आया वो काफ़ी चमकदार भी है, लेकिन इसमें दो प्रत्याशी ऐसे भी रहे जो आपके काडर के प्रत्याशी नहीं रहे, तो ये भी एक चुनौती आपके सामने रही कि कहने का मौका कहने वालों को मिल ही गया कि कैंडिडेट्स जो हैं ये बीजेपी के नहीं थे, लेकिन चुनावी रणनीति में ये बातें बहुत मायने नहीं रखती, वहाँ सिर्फ मायने रखती है जीत। आप कांग्रेस के बरक्स, कांग्रेस के मुकाबले किस तरह से देखती हैं बीजेपी को? सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी मुस्तकबिल अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी सावधान रहना है और अपने कैडर की मजबूती भी जरूरी है, क्योंकि रेगांव आपके लिए चैलेंज भी है। जी शरद जी, पहले तो आप सबको अगेन वही दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बड़े त्योहार हैं ये सब और बहुत खुशी के मौके हैं, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अब रही बात आपके प्रश्न की, तो पहली बात तो ये कि देखिए, आपने खुद ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है,
हम हमेशा तैयार रहने वाले लोग हैं। हमारे पास एक वो तंत्र है, हमारे पास रणनीति है, हमारे पास शिल्पकार है, उस रणनीति के कार्यकर्ता है। तो जब इस तरह का एक ऊपर से लेकर नीचे तक वो विचारिक गंगा जब बहती है तो उसको प्रतिपादित करने के लिए लोग तत्पर और तैयार रहते हैं। तो इसलिए कोई भी चुनाव हो, मुझे लगता है कि उसको अगर खराब शब्दों में हल्का शब्द यूज करूं तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो चुनाव चुनाव होता है, वो समर है, वो युद्ध है, और उसके लिए कमर कस के तैयार रहना हमेशा जरूरी। और उसके लिए वही लास्ट मोमेंट की तैयारी नहीं होती। ये कोई जैसे कहना चाहिए ना, अपन एक कौन सा एग्जाम देते थे जब वो एक गुटका तैयार कर लिया जाता था और उसने पढ़ के एग्जाम दे दिया जाता था। उसमें गुटका पढ़ के एग्जाम देना और एक पूरी सतत तैयारी के साथ एग्जाम देना, उसका एक जो फर्क होता है वो फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिखाई देता है। अब जैसा कि भदौरे जी ने कहा कि चमत्कार एक नेतृत्व था, तो सर चमत्कार के साथ जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक चमत्कार को कोई प्रणाम नहीं करता है। वो चमत्कार का बहुत छोटा लाइफ रहती है। तो कर्म करना बहुत जरूरी है और कर्म जमीन पर होता है। जमीन पे जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक चमत्कार भी नहीं होते। आप आइए, भाषण दे दीजिए, भाषण दे के आप चले जाइए, लेकिन जब तक वो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता आपके पास नहीं होगा, जब तक वो झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता आपके पास नहीं होगा, तब तक जमीन पर कोई रिजल्ट प्रतिपादित नहीं होगा, कोई रिजल्ट परिलक्षित नहीं होगा। रही बात तीन चुनाव वर्सेस वन की, तो रेगांव के लिए हम लोग वापस बैठेंगे, उसका चिंतन मनन ऑलरेडी शुरू हो गया है। सारे सारे बूथ के हिसाब से वोटों की जो भी कुछ हुआ वो वहां पे सारी गिनती हुई, उसका सारा पेपर वर्क तैयार हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके वो सारा का सारा स्टडी होगा और उसके बाद वापस उसकी तैयारी लगेगी। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत के सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन उसका जब तक हम उसको एनालिसिस नहीं करें, जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस बोलते हैं, जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक वो बात पूरी नहीं होती। तो ये हमारी पार्टी का फिर से एक जैसे कहना चाहिए चरित्र है कि हम उसको वापस स्टडी करेंगे, वापस उसके बारे में संज्ञान लेंगे, फिर कहाँ कमी रहेगी, किस तरह की कमी रहेगी, उसको वापस हम लेकर आएंगे जमीन पर। तो ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं शरद जी, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। अब वो रेस 1:10 या 10:100 की हो गई, अब 1:2, 9:10 का नहीं रेस रहेगी। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पार्ट करना कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जी जी, हमारे तीसरे मेहमान कुछ ही देर में जुड़ेंगे और अगर कुछ तकनीकी समस्या हो तो मेरा आग्रह है अपनी पीसीआर की टीम से कि उनको टेलीफोन पर जोड़ लिया जाए। मैं सीधे एक बार फिर भदौरिया जी की तरफ चलता हूँ। एक बात दिव्या जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही है, उसमें थोड़ा आप कह सकते हैं कि दीपावली के मनुहार तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन दीपावली का थोड़ा सा एक उपालंब कह लीजिए या कटाक्ष का भाव कह लीजिए, जो भी जिस रूप में आप समझें, कि उनका कहना है कि कांग्रेस उससे पड़ती है जो 20-20 प्रश्न वाले गुटके चला करते थे और बीजेपी की तैयारी पाठ्यक्रम से होती है, सिलेबस से होती है। ये बात हमने भी कुछ दूसरे तरीके से कही थी, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस की तैयारी परीक्षा आने पर ही होती है। कांग्रेस वो विद्यार्थी है, और ऐसा नहीं है कि परीक्षा आने पर ही पढ़ने पर भी वो अच्छे नंबर लेकर आ जाती है, और बीजेपी कई बार साल भर मेहनत करती है तो जैसे दमोह में चूक हो जाती है या कोई गलती छूट जाती है तो वो भी हो जाता है। 2018 में दोनों ही पार्टियों ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बीजेपी चंद सीटों से पिछड़ी और कांग्रेस को मौका मिला। लेकिन बार बार 20 पेपर्स से आप बहुत बड़े परिणाम की अपेक्षा करेंगे, ये भी शायद गड़बड़ है। तो कब ये क्या पूरी तैयारी हम माने कि अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी और बात करें अजय सिंह जी की, अरुण यादव जी की, तो ये तमाम जो आपके बड़े नेता हैं इनकी भूमिका अब हमें कांग्रेस में आगे बहुत साफ नजर आने वाली है। जी भदौरिया साहब, देखिए आदरणीय शरद जी की आदरणीय दिव्या जी ने ये गुटका का 2020 का जो शब्द लाए हैं जी, उसके साथ उन्होंने एक कैडर के साथ लाए थे कि दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता। आदरणीय दिव्या जी, आप भारतीय जनता पार्टी का पिछले 4-5 साल से आकलन कर लीजिए, राष्ट्रीय परिदृश्य से लेके प्रदेश के परिदृश्य तक, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट की राजनीति हो रही। 2020 गुटका से तो भारतीय जनता पार्टी शॉर्ट चोर दरवाजे के रास्ते चुन रही है। खंडवा में हार रही थी
लालच दे के कांग्रेस को विधायक को ले आई। तीन प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव थे, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, परंतु भारतीय जनता पार्टी को तीन विधानसभा उपचुनाव में, दो विधानसभा उपचुनाव में दूसरे दलों से कार्यकर्ता लाना पड़ा चुनाव लड़ाने के लिए। एक मूल कार्यकर्ता रहगांव में लड़ा जिसको जनता ने नकार दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। जहां तक आदरणीय शरद जी आपका प्रश्न का सवाल है, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में आपने 28 उपचुनाव के संदर्भ में भी देखा होगा और अभी 4 उपचुनाव के संदर्भ में देखा होगा। आदरणीय अजय सिंह जी को जो भूमिका दी रहगांव की, उन्होंने बाखूबी निभाई। एक एक गांव गली गली में आगे क्या दायित्व मिलेगा सर, ये बड़ा सवाल है। चलिए चलिए मैं लौटता हूँ। दिव्या जी कुछ कहना चाह रही है, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। जी दिव्या जी, बहुत कुछ सेकंड्स में अपनी बात कहिए, मैं अरविंद जी की तरफ चलूंगा फिर। अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट। अच्छा जी जी, मैं भदौरी जी का सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, भदौरी जी थोड़ा समय अब कांग्रेस के अंदर भी आत्मचिंतन थोड़ा सा कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की उंगली उठाकर आप जितना मर्जी आक्षेप लगा ले, लेकिन थोड़ा आपके अंदर का जो एक भीतरी उबाल है, उस उबाल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने का समय आ गया। मैं क्षमा चाहूंगी लेकिन मैं थोड़ा सा समय इसलिए ले रही हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने 2 सीटें अलॉट करी थी और अपने खाते में 2 सीटें करी थी, वो दोनों सीटें आप हार गए और उस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई उस बारे में चिंतन मनन नहीं कर रहा है और वो पूरे चुनाव भर गायब रहे। कोई और उसके बाद जब उसकी एंट्री होती तो लास्ट, यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति आदरणीय दिव्या जी, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की तरह कबीलियाई संस्कृति नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति चुनाव सीटों का निर्धारण करती है, प्रत्याशी का निर्धारण। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से क्षमा चाहता हूँ और आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने दोनों सीटें, दिग्विजय सिंह जी ने कोई सीट से। चलिए चलिए मैं लौटता हूँ दिव्या जी, आपकी तरफ भी लौटता हूँ, भदौरिया जी की तरफ भी लौटता हूँ। काफी देर से अरविंद जी इंतजार कर रहे हैं। अरविंद जी मुझे बताइए कि जिस तरह से अब हम कांग्रेस में आगे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, पचौरी जी दावा कर रहे हैं वोट बैंक बढ़ा है, वोट का जो रेशियो है वो 2018 या रिसेंटली जो कुछ समय पहले, खैर ये सारी सीटें ऐसी थी जिनमें 2018 से ही तुलना उचित है क्योंकि ये उसी समय की बात है, किस तरह से आप देखते हैं कि 2023 के लिए वो बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं पचौरी जी, ये उनका अधिकार भी है। लेकिन आप कांग्रेस में, हमने पहले भी बात की थी और आपने भी ये कहा था कि क्षत्रपों को अब उनका दायित्व तो मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में आगे क्या 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 अब आगे ऐसी चीजें घटें जो कांग्रेस को फिर एक मजबूत वापसी के लिए तैयार करें? जी देखिए शरद जी, 2-3 बातें हैं। 2-3 दिन पहले भी एक डिस्कशन में मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस को सबसे पहले अभी जो कमलनाथ आधारित वन मैन शो है उससे मुक्ति पाना पड़ेगी। जी कांग्रेस को अपने जो क्षेत्रवार मजबूत नेता है, जैसे आदिवासी अंचल में कांतिलाल भूरिया मजबूत नेता है, निमाड़ में जो है अरुण यादव है, डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो है, ऐसे नेता है। महाकौशल में पार्टी के पास कई मजबूत नेता है, बुंदेलखंड विंध्य अजय सिंह है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन क्षत्रपों की जिम्मेदारी तय करना पड़ेगी, इन्हें जिम्मेदारी सौंपना पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है कि कांग्रेस में यह माना जाता है कि सब कुछ कमलनाथ और उनकी जो उनका जो कोर ग्रुप है उसके इर्द गिर्द चल रहा है, सारे निर्णय वो लेते हैं, है ना। अब आप बताइए कि अगर अगर ये माना जा रहा था कि अरुण यादव खंडवा से सक्षम उम्मीदवार नहीं है तो राजनारायण सिंह की उम्मीदवारी का फैसला काफी पहले हो जाना था। जो राजनारायण सिंह, अरुण यादव 3 लाख वोटों से चुनाव हारे थे, राजनारायण सिंह 80,000 पे उस लीड को ले आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निर्णय लेने में पार्टी जो विलंब कर रही है उसका नुकसान हो रहा है ना। जोबट के निर्णय के बारे में कहा जा रहा है कि जोबट में बड़ा विचित्र वो था कि सुलोचना रावत को टिकट दें या महेश पटेल को टिकट दें। पार्टी का एक वर्ग कह रहा था कि सुलोचना रावत को दे, कमलनाथ का सर्वे कह रहा था कि महेश पटेल को दे। तो कहीं ना कहीं ये जो विलंब हुए, मुझे लगता है एक तो इसका नुकसान हुआ, दूसरा ये कि कमलनाथ ये मानते हैं कि वो जो सर्वे करवाते हैं उसका जो रिजल्ट है वही बेस्ट रहता है, उसी के आधार पे उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन सर्वे में भी कोई गड़बड़ी रहती है। अच्छा दूसरा भी दिव्या जी ने बोला 2020 का मामला, गुटखा पढ़ लो, तो मेरा ये कहना है कि भाई रेगांव जैसी सीट अगर कांग्रेस गुटखा पढ़ने के आधार पर जीत सकती है
तो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस का ये प्रयोग कई बार सफल भी रहता है ना। यही बात हम भी कर रहे थे अरविंद जी कुछ देर पहले कि कई बार अंतिम सप्ताह में पढ़ने के बाद भी कुछ विद्यार्थी चमत्कार कर देते हैं, लेकिन वो उसमें एक निरंतरता बनी रहे इसकी अपेक्षा करना कितना उचित होगा 2020 से। जी दूसरा शरद जी, मेरा एक और कहना है जी कि कांग्रेस को इस बात पर मंथन करना चाहिए, 9 तारीख को मंथन करने जा रहे, कमलनाथ आज सोनिया गांधी से मिले थे, 9 तारीख को पार्टी के तमाम नेताओं को भोपाल में बुला रहे हैं और वो मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आखिर जोबट में कहां चूक हुई, जो उसका परंपरागत गढ़ है जहां 15 में से 11 चुनाव कांग्रेस ने अब तक जीते हैं, वो चुनाव कांग्रेस के हाथ से क्यों निकल गया। पृथ्वीपुर जहां पर ब्रजेंद्र सिंह लगातार जीत रहे हैं 1990 से, वो सीट क्यों कांग्रेस ने। और इसी तरह बीजेपी को यह सोचना चाहिए कि 31 साल बाद रेगांव की सीट उसके हाथ से क्यों निकली। ये तो मंथन के विषय तो हो ही गए ना, कि आखिर ये इन विषयों पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही वो प्रश्न है जो दोनों ही पार्टियों के लिए बिल्कुल खुले हैं, कि जो दोनों ही पार्टियों के लिए ये इशारा करते हैं कि आपको समझना होगा। एक पार्टी की चूक शायद ये हो रही है कि वो कुछ ऐसे कर्मकांडों में उलझती ज़्यादा नज़र आती है जो नतीजा देने से अधिक कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं, और दूसरी पार्टी की समस्या ये है कि वो अपने काडर से ज़्यादा दूसरे कॉडर पर दृष्टि डालकर बैठी है। हालांकि वो कॉडर बेस्ड नहीं है दूसरी पार्टियां उसकी तरह, अगर वामपंथी पार्टियों को छोड़ दें तो कॉडर बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी अभिरुचि दूसरे दलों में जो बढ़ रही है, तो उसका अपना कॉडर जो है, क्योंकि रेगांव में पूरा कॉडर बेस्ड ही मामला था। दिव्या जी, आप अपनी बात भी पूरी करें और इस प्रश्न का जो अरविंद जी की तरफ से भी उठा है उसका भी जवाब दें। जी अरविंद जी को बहुत बहुत सादर नमस्कार, लेकिन मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि सर ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये समस्या कांग्रेस की है कि वो अपने गढ़ को अपने किले को संभाल नहीं पाते हैं। ये एक उनके चिंतन का विषय होना चाहिए कि इस तरह से क्यों उनके भारी भरकम लोग उनकी पार्टी को छोड़ छोड़ कर दूसरे तरफ अगर जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो एक, मैं फिर वही जिक्र करूंगी, जो उबाल है, उस उबाल को आप लोग क्यों नहीं समेट पा रहे, क्यों नहीं संभाल पा रहे, और क्यों दूसरी तरफ का मन अगर ललचाता है या जाता है तो क्या कारण होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो है, जिस प्रॉब्लम के कारण आपके भारी भरकम नेता, बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता उनके साथ जब चले जाते हैं तो आपकी पार्टी को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और रही बात कि आपका परसेंटेज बढ़ गया है या कुछ हो गया है, तो उसमें दो तीन बातों का विश्लेषण मैं करना चाहूंगी। अब दिव्या जी, अगर बीजेपी चुंबक लेकर बैठेगी तो लोह तत्व वाले जो तत्व हैं वो तो खिंचे चले आएंगे आपकी तरफ। अब आप गलती बता रही हैं कांग्रेस की इसमें। जी नहीं, कांग्रेस सर आप मानिए ना शरद जी की कांग्रेस अपने गढ़ को, अगर आप एक घर है, उस घर में कुछ लोग अगर घर छोड़ छोड़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं घर के अंदर का माहौल गड़बड़ होगा, ये भी तो मानना पड़ेगा ना। चलिए भदौरिया जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, भदौरिया जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए भदौरिया जी। जी जवाब दीजिए आप। जी जी देखिए आदरणीय शरद जी, भारतीय जनता पार्टी अगर तात्कालिक लाभ लेकर आयातित लोगों के साथ प्रसन्न हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी में उबाल है तो समाजवादी पार्टी से आप प्रत्याशी लेके आए पृथ्वीपुर, तो समाजवादी पार्टी में भी उबाल था क्या? ये सब तो बातें हैं, से आप प्रत्याशी लेके आई। आदरणीय दिव्या जी, बहुत विनम्रता से साथ आपको एक सलाह देता हूँ, ये जो आयातित लोग हैं ये नासूर बनेंगे आगे चल के आपके लिए। एक उदाहरण देता हूँ, मैयर से आपके वर्तमान विधायक नारायण त्रिपाठी जी हैं, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर भाजपा, और आज वो जो प्रश्न खड़े करते हैं शिवराज सिंह जी से लेके बीडी शर्मा तक जवाब नहीं दे पाते। ये नासूर आपके लिए ये सब लोग बनेंगे, ये मैं आज आपको सलाह के रूप में दे रहा हूँ। तो नैतिकता और न्याय की जो राजनीति लोकतंत्र में स्वतंत्रता के समय से लगातार चली आई है, उसके चलिए चलिए हमें अरविंद जी बहुत कम वक्त है मेरे पास, उस पथ पे हमें चलना चाहिए। क्या लगता है आपको कांग्रेस का ये जो नैरेटिव है का रास्ता छड़े का जो इसी के इर्द गिर्द अधिक घूमता है कि आप हमारे लोगों को ले जा रहे हैं जैसा भदौरिया जी कह रहे हैं, ये बात कितनी सही है कितनी गलत है इस पर खूब डिबेट हो चुकी है और होती रहेगी आगे भी, लेकिन सियासत में और प्रेम में जिसने भी ये कहावत गढ़ी है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रेम और युद्ध में या सियासत में सब जायज़ है।
लेकिन कांग्रेस को क्या नैरेटिव बदलना होगा, क्योंकि आप कब तक दुखी होंगे इस पर कि सुलोचना जी चली गई, वहां सपा का कैंडिडेट ले आए। आप अपने को मजबूत करिए और सुलोचना जी को भी रोक लीजिए, और अगर सपा का कैंडिडेट बीजेपी में जा सकता है तो कांग्रेस में भी आ सकता है। तो आपको क्या अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है या दुखी होने की आवश्यकता है? नहीं शरद जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपके विधायक आपकी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है ना। लोग कहते हैं कि कमलनाथ मैनेजमेंट के मास्टर है, काय का मैनेजमेंट, आपके विधायक आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो आपसे नाराज चल रहे हैं, आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये जो चुनाव के नतीजे देखिए आप, जो मैंने आपसे कहा कि 2.75 लाख से अरुण यादव आ रहे थे, राजनारायण सिंह 80 पे उस मार्जिन को ले आए, है ना जी। उसके बाद रेगांव जैसी सीट पे कांग्रेस, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता आउटराइट खारिज कर रही है, कहीं ना कहीं संभावना है। लेकिन कांग्रेस को अपनी रणनीति पर एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा, अपनी जो है कार्यशैली में कमलनाथ को बदलाव लाना पड़ेगा, तभी 2023 में कांग्रेस के लिए एक संघर्ष, कांग्रेस एक संघर्षपूर्ण स्थिति में मैदान में हो सकती है। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा है कांग्रेस के सामने कि आपके दिग्गज नेता, दिग्गज नेताओं को अपनी शैली में बदलाव लाना पड़ेगा, प्रायोरिटी बेस्ड डिसीशंस करने होंगे कि क्या छोड़ना है और क्या रखना है। और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अरुण यादव हों, चाहे वो सुरेश पचौरी साहब हों, चाहे वो अजय सिंह जी हों, इन तमाम बड़े नेताओं को आपको बहुत सहेज कर आगे रखना होगा। और इन्हीं नेताओं को नहीं, इनके बाद भी जो नेता नंबर 2 नंबर 3 की पोजिशनिंग में रिस्पेक्टिव रीजन्स में हैं, उन सबको आपको आगे लाना पड़ेगा तब जाकर, क्योंकि ये कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है कि कांग्रेस के जब अलग अलग धड़े एक छतरी के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं तो 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने 2 महीने में भी कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की हैसियत रखने लगती है। 2018 में यही हुआ था, क्योंकि दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा के बाद एक ऊर्जावान तरीके से जुटे थे, अजय सिंह जी अपना दायित्व तो निभा रहे थे, सुरेश पचौरी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तमाम बड़े नेता एक साथ खड़े थे। तो कांग्रेस को आगे अगर देखना है तो शायद 2018 उसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल है। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया दिव्या जी। आगे देखिए अफसरनामा, सीनियर IPS ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर और वर्तमान में IG उज्जैन रेंज की जिम्मेदारी निभाने वाले संतोष सिंह के साथ। नमस्कार।